गुड इवनिंग टू एवरीवन, मायसेल्फ सतीश कुमार प्रभाकर, वेलकम टू एसवीएस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि इरिगेशन कैनाल्स का टॉपिक है हमारा, जो कि 25 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो हम देख लेते हैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन, हम देख लेते हैं इसके कितने प्रकार सेक्शन बनाए जाते हैं। इसमें पहला होता है हमारा सेक्शन इन फुली कटिंग, दूसरा होता है सेक्शन इन पार्शली कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, तीसरा जो होता है सेक्शन फुली इन एम्बैकमेंट या फिलिंग। ठीक है, पहला है सेक्शन इन फुली एक्सकेवेशन, या यहाँ पे हमारा कटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एनएसएल होता है वो एबव होता है एफएसएल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाए हैं। यहाँ पर हमारा बेड लेवल है, बीएल है बेड लेवल, यहाँ पर हमारा एनएसएल है, एनएसएल है, यहाँ पर हमारा एफएसएल है, एफएसएल हमारा देखिए एनएसएल है, एनएसएल के हमारे नीचे है एफएसएल। ठीक है, तो वही यहाँ का है एनएसएल एबव एफएसएल, एफएसएल यहाँ है, एनएसएल यहाँ है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेक्शन इन फुली कटिंग। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, हमारा डेप्थ ऑफ कैनाल है, यहाँ पे हमारा फ्री पोर्ट है, यहाँ पे हमारा बर्म है। ठीक है, यहाँ बैंक है हमारा, ये हमारा स्लोप, यह CC1 है कटिंग में, ये स्लोप है फिलिंग में, यहाँ पे डॉवेल है, यहाँ पे सर्विस रोड है। ठीक है, और ये सब का फुल फॉर्म है, या फसल मतलब फुल सप्लाई लेवल, या FSD मतलब फुल सप्लाई डेप्थ, NSL मतलब नेचुरल सरफेस लेवल, BL मतलब बेड लेवल, FP मतलब फ्री बोर्ड, SC1 मतलब स्लोप इन कटिंग, SC1 मतलब स्लोप इन फिलिंग। दूसरा सेक्शन हमारा सेक्शन पार्शली इन कटिंग पार्शली इन फिलिंग, इसमें का NSL बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड बेड लेवल, इसमें हमारा इसका सेक्शन हमारे यहाँ पर बना हुआ थी थी, जो हमारा फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे है और बेड लेवल यहाँ PL यहाँ पे, इसके बीच में जो हमारा है क्या है NSL है। ठीक है, इसमें भी इसमें दिक्कत है, सब चीज़ जो है MH जो हमारा बर्म होता है वो 2D होता है, यहाँ पर हमारा जो बर्म था हमारा सेक्शन में फुली कटिंग में 1.5D था, 1.5D था, यहाँ पर हमारा जो बर्म हो गया 2D हो गया, और ये हमारा फुल सप्लाई लेवल हो गया, और यहाँ से हमारा बैंक का टॉप पोर्शन लेके फुल सप्लाई लेवल के बीच में जो स्पेस होता है जगह रहती है उसे फ्री बोर्ड करते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो हो गया हमारा तीसरा यहाँ पे सेक्शन फुली एम्बैकमेंट या फिलिंग, इसमें होता है NSL बिलो बेड लेवल, जो NSL होता है वो बिलो होता है बेड लेवल के, ये हमारा NSL हो गया यहाँ पे, अब बेड लेवल यहाँ पे है। ठीक है, ये बेड लेवल हमारा NSL के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा एक कैनाल हमारा, तब ये कैनाल कहा जाता है हमारा सेक्शन इन फुली फिलिंग। ठीक है, इसमें सब पहले जैसा होता है,
चलिए कुछ चीज़ के कंपोनेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। पहला तो बैंक का एम्बैंकमेंट। यहाँ पे बैंक विड्थ जो हम लेंगे 1.2 मीटर से 5.0 मीटर तक हम लेंगे, ठीक है। स्लोप तो लेंगे 1.5 मीटर रेशियो 1, एच रेशियो 1 के ले लेंगे, ठीक है। और डेप्थ ऑफ बैंक लेंगे 1.5 मीटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही लेंगे, नहीं तो हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। डोला दिया है, डोला विड्थ हमारा 0.5 मीटर होता है और डोला डेप्थ हमारा 0.5 मीटर। स्लोप जो होता है डोला की 1.5 रेशियो 1 होता है। यहाँ हमारा तीसरा हुआ इन्फेक्शन रोड और सर्विस रोड। यहाँ पे हाइट ऑफ इन्फेक्शन रोड जो होता है, जांच रोड की विड्थ होता, चौड़ाई होता 0.5 मीटर से 6 मीटर होता है। स्लोप होता 1.5:1 होता है। डेप्थ जो होता है 0.5 से 1 मीटर तक होता है। साइड स्लोप, साइड स्लोप हमारा डिपेंड करता है सॉइल की, डिपेंड ऑफ सॉइल। लोम सॉइल है तो हमारा कटिंग में 1:1 होता है और फीलिंग में 1.5:1 होता है। सैंडी सॉइल है, कटिंग में 1.5:1 होता है, फीलिंग में 2:1 होता है। उसके बाद पांचवा है बर्न। बर्न हमारा सब कैनाल के साथ अलग अलग, सब सेक्शन के साथ अलग अलग होता है। यहाँ सेक्शन इन होली एक्सीवेशन में 1.5 डी होता है। सेक्शन पार्सली इन कटिंग, पार्सली इन फीलिंग में 2 डी होता है। सेक्शन फुली इन एम्बैंकमेंट में 3 डी होता है। डी हम बताए हैं डेप्थ ऑफ चैनल सेक्शन है। इसके बाद हमारा फ्री बोर्ड हमारा डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे। हमारा डिस्चार्ज जितना अधिक रहेगा फ्री बोर्ड हम उतना ही एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ डिस्चार्ज दिया है मीटर की पर सेकेंड में, स्टेंट ऑफ फ्री बोर्ड कितना हम बढ़ा सकते हैं। 1 to 5 मीटर हमारा अगर डिस्चार्ज दिया तो 0.5 मीटर हम लेंगे। 5 to 10 मीटर दिया है तो हमारा 0.6 मीटर होगा। 10 to 30 दिया है 0.75। 30 to 150 दिया है 0.9 मीटर हम क्या फ्री बोर्ड को हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइड ड्रेन, साइड ड्रेन विड्थ ऑफ ड्रेन हमारा 0.5 मीटर। डेप्थ ऑफ ड्रेन हमारा जो होता है वो 0.45 मीटर। स्लोप जो लेंगे हम ड्रेन का 1:1, ठीक है। तो हमारा कैनाल का जो हमारे तीन प्रकार के सेक्शन बनाए थे, तो तीनों का हम डिटेल बता चुके हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा गिवन दैट है बेड विड्थ दिया है 4.0 मीटर। आरएल ऑफ बेड विड्थ, जो बेड विड्थ का आरएल दिया है 260 मीटर दिया है। आरएल ऑफ एनएसएल 261, ठीक है। आरएल ऑफ एम्बैंकमेंट बराबर 262 मीटर दिया है। स्लोप इन कटिंग बराबर 1:1 दिया है। स्लोप इन फीलिंग दिया है 1.5:1 दिया है। सर्विस रोड यहाँ पे दिया है 6 मीटर। विड्थ ऑफ डोला दिया है 0.5 मीटर। डेप्थ ऑफ डोला दिया है 0.5 मीटर। फ्री बोर्ड यहाँ पे दे रखा है 0.5 मीटर। विड्थ ऑफ बैंक बराबर 2.0 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज़ बता देते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आरएल टाइप में, आरएल अगर दिया है किसी चीज़ का, तो उसको हम आरएल को घटा के हम उसका डेप्थ निकालते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमारा दे दिया पहले हम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालते हैं, मतलब बैंक की हाइट निकालते हैं। बैंक की हाइट निकालने के लिए हमारा देखिए इसका बैंक का आरएल दिया है, बैंक का आरएल दिया है यहाँ पे 262, ठीक है। और उसके बाद माइनस कर दें आरएल ऑफ एनएसएल, ठीक है। बैंक हमारा ऊपर होता है एनएसएल के, ठीक है। तो आरएल ऑफ एनएसएल हमारा देखिए यहाँ पे दिया 261, तो 262 माइनस 261 बराबर 1 मीटर। हम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एच निकाल लिए 1 मीटर हो गया। अब तब तक कैनाल निकालेंगे आरएल ऑफ एनएसएल माइनस आरएल ऑफ बेड पेड, ठीक है। 261 माइनस 260 बराबर 1.0 मीटर यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब हम आर एफ ले लिए 1:100, ठीक है। इस रेशियो पे हम क्या करेंगे, इस कैनाल को बनाएंगे। आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, 1:50 ले सकते हैं, जैसा ड्राइंग शीट है। हमारे पास छोटा सा कॉपी है इसलिए 1:100 लेके हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन है, सेक्शन पार्सली इन कटिंग एंड पार्सली इन फिलिंग, ठीक है। इसमें हम बताए थे, ठीक है। चलिए हमारा देखो बेड विड्थ दिया है यहाँ पे 4 मीटर, हम 4 मीटर ले लिया आरएफ के अनुसार। अब हम साइड स्लोप निकालते, साइड स्लोप हमारा कटिंग में दिया 1:1, 1:1 हमारा यहाँ से ये स्लोप हमारा 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या हो? हम 1 ऐसे चले तो हम 1 ऐसे चलेंगे, तो जो इससे जो ये रेखा बनती है हमारा स्लोप हो जाता है, ठीक है। ये हमारा HD हो जाता है, ठीक है। HD हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग वैल्यूएशन में बताए थे, हमारा कोई चैनल सेक्शन यहाँ पे ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसको मिला लेते हैं, ये हमारी सीधी हो गई, ये सीधी हो गई, ठीक है। ये हमारा डी हो गया, ये हमारा SC1 हो गया। तो ये डी, ये हमारी चौड़ाई क्या होती है, SD होती है, ठीक है। वही चीज़ हमारा यहाँ से अगर हम, ठीक है, यहाँ से अगर हम सीधे पॉइंट हम ऐसे कर देंगे, हम टिक लगा देंगे ये पॉइंट, ये हमारा डी हो गया, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, SD हो गया, ठीक है। यस हमारा 1 है और डी हमारा 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे, फिर यहाँ से हम इस 1 लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे यहाँ स्लोप 1:1 का तैयार हो जाए, ठीक है। फिर इधर हमारा आपका सिल्टिंग, सिल्टिंग के लिए हमारा स्लोप जो होता है 1/2:1 होता है। 1/2:1 का मतलब क्या होता है, हमारा एक हमारे इधर चलेंगे, आधा इधर चलेंगे, ठीक है। हम एक इधर चले, आधा इधर चले, तो इस पॉइंट हमारा हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, हमारा आपका सिल्टिंग हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे हम इस साइड में करेंगे, ठीक है। इस साइड में स्लोप तैयार करके हम इसको मिला देंगे आपका सिल्टिंग का भी आई वाला, तो हमारा यहाँ तक हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आपका सिल्टिंग से हमारा जो बर्म होता है यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा बर्म है, ठीक है। बर्म हमारा बताए थे सेक्शन पार्सली इन कटिंग एंड पार्सली फिलिंग, हमारा बर्म 2D होता है, ठीक है। 2D होता है, टी हमारा 1 मीटर है, इसलिए 2 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा। फिर हमारा ये हमारा एम्बैंकमेंट में है, एम्बैंकमेंट हम बनाएंगे। एम्बैंकमेंट के लिए हम क्या करें, स्लोप हमारा 1.5:1 होता है। 1.5:1 का मतलब 1.5 हम इधर चलेंगे और हाइट हमारी एम्बैंकमेंट की हाइट 1 मीटर है, तो 1 हमारे इधर चलेंगे, ठीक है। तो 1.5 इधर चलेंगे, 1 इधर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा SD, ये हमारा SD हो जाएगा। यस हमारा 1.5 है, डी हमारा 1 मीटर, तो इधर हम कर देंगे, इस पॉइंट की इस पॉइंट मिला देंगे, हमारा स्लोप तैयार हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैंक की चौड़ाई हमारा 2 मीटर दिया है, 2 मीटर ले लिए। फिर हमारा स्लोप यहाँ से हमारा
यस्ति कर लेंगे, ठीक है, ये श्लोक हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा इधर ड्रेन बनाना हो तो ड्रेन हमारा उस साइड हम बनाए हैं, इस साइड, ठीक है, तो बना रखिएगा। चलिए हम इधर चाहते, यहाँ पर हमारा फिर इधर बर्म हो गया, 2D हो गया बर्म हमारा। फिर इस साइड में हमें डॉवल बनाना होता है। डॉवल हम क्यों बनाते हैं, इधर हमारा सर्विस रोड है, सर्विस रोड में से गाड़ी आती जाती है तो एक्सीडेंट होने के बाद वो गिर के नहर में न चले जाए, इसलिए हमारा इसको थोड़ा उठा दिया जाता है, ठीक है। डॉवल हमारा की चौड़ाई हमारा 0.5 मीटर होती है, गहराई 0.5 मीटर, मगर यहाँ पर सर्विस रोड की तो गहराई हो 0.5 मीटर है, ऊंचाई 0.5 मीटर है, ये ऊंचाई 0.5 मीटर, ये ऊंचाई 0.5 मीटर, तो वहाँ डॉवल का स्लोप हमारा मिल गया, गहराई 1 मीटर हो गई, सॉरी ऊंचाई हमारा 1 मीटर हो गई, 1 मीटर ऊंचाई हो गई, ये हमारा स्लोप 150। तो यहाँ से हमारा यस्टी हो गया, ठीक है, यस्टी मतलब स्लोप, स्लोप हमारा 1.5 और D1, मतलब यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर, फिर 1 मीटर यहाँ पर हम करके इस पॉइंट को इस पॉइंट मिला देंगे, वहाँ स्लोप तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये 1.5 कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा चौड़ाई यहाँ 0.5 मीटर लेंगे, फिर वही स्लोप हम यहाँ से यहाँ कर देंगे 1.5:1, ठीक है, हाइट के साथ हम स्लोप ले लेंगे। फिर इसके बाद सर्विस रोड हम बना देंगे आप 6 मीटर लंबा, फिर इस यहाँ पर हम स्लोप हम दे देंगे 1.5:1 का स्लोप दे देंगे। फिर यहाँ से 0.6 मीटर हम छोड़ के हम साइड ड्रेन बना देंगे, साइड यहाँ से हम साइड ड्रेन बना देंगे, यहाँ से 0.5 मीटर चौड़ाई हो गई और गहराई हमारी की 0.45 मीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल हो गया, यहाँ पे यह फसल होगा फुल सप्लाई लेवल। यहाँ पे फ्री पोर्ट हमारा 0.5 मीटर है जो हमारा, और एम्बैकमेंट का ऊपर भाग और एफएसएल के बीच का जो गैप होता है उसे हम फ्री बोर्ड कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे फ्री बोर्ड 0.5 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 0.5 मीटर हम फ्री बोर्ड ले लिए। चलिए तो ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा सेक्शन पार्शियल कटिंग पार्शियल फिलिंग में अगर समझ में आएगा तो जहाँ ना समझ में आया होगा वहाँ पे मैसेज करिएगा, हम फिर से इसको वीडियो बना के भेज देंगे, ठीक है, ओके, बाय।